इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को भरोसा देता हूं कि राज्य सरकार उनकी हमेशा से मदद करेगी। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में शहीद पुलिस वालों के परिवार वाले भी पहुंचे। इस मौके पर शहीद अंकित तोमर की पत्नी नेहा तोमर ने कहा कि सीएम ने उन्हें जल्द नौकरी देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा कार्यक्रम में शहीद ब्रजेश मिश्रा की पत्नी स्वाति मिश्रा भी पहुंची। देहरादून की पुलिस लाइन में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों की शहादत को नमन किया। शहीद पुलिस वालों के जवानों को उनके परिजनों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका है और शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत को हम शत शत नमन करते हैं। पूर्व सीएम एनडी तिवारी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर कल लखनऊ से हल्द्वानी लाया जाएगा। काठगोदाम सर्किट हाउस में दोपहर 1 बजे तक उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। दोपहर करीब 2 बजे रानीबाग चतुर्शिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे हल्द्वानी रानीबाग के चतुर्शिला घाट पर होगा। सुबह से ही उनके अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। एनडी तिवारी की पत्नी उज्ज्वला शर्मा ने उन्हें जननायक बताया। कहा कि तिवारी जी ने हर बार गरीब पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ी। एनडी तिवारी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग हल्द्वानी के सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं। करीब 50 साल तक सक्रिय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले तिवारी का उनकी कर्मभूमि हल्द्वानी में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। त्योहारों के सीजन में सब्जियों और फलों के रेट में आसमान को छूने की बात आई है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के चलते ट्रांसपोर्टरों ने माल भाड़े से 15 से 20% की बढ़ोतरी के बाद सब्जियों के दाम बढ़े। हालांकि कुछ सब्जियों के दाम घटे हैं। वैसे आपको जानकारी के बता दें कि पेट्रोल के दाम पिछले 4 दिनों से कुछ कुछ पैसे कम हो रहे हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं पीएम की केदारनाथ आने की खबरों के बीच में केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने पीएम पर निशाना साधा। मनोज रावत ने कहा मोदी सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम के लिए केदारनाथ आए। केदारनाथ यात्रा के पीछे उनका मकसद सियासी नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। देहरादून में नगर निगम प्रशासनिक भवन में नामांकन के लिए मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर उम्मीदवार अपना नामांकन करा सकते हैं। लखनऊ में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कार्यक्रम को प्रशासन ने रात को हरी झंडी दे दी। इसके बाद परिषद के समर्थकों की बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इको गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से अपने अयोध्या कूच कार्यक्रम के तहत एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी आज मुरादाबाद के दौरे पर है। यहां पर रीता बहुगुणा जोशी ने मुरादाबाद महिला जेल का औचक निरीक्षण किया। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि साल 2010 में वो इस जेल में बंद थी। मेरठ में बीजेपी के पार्षद और दारोगा के बीच हुई झड़प का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दारोगा बीजेपी पार्षद को पीटता हुआ नजर आ रहा है। ब्लास्ट की धमकी के बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षाकर्मियों के साथ डॉग स्क्वाड बम स्क्वाड को तैनात किया गया। सुरक्षा के लिहाज से जीआरपी ने स्टेशन पर चेकिंग अभियान भी चलाया। बता दें कि 25 सितंबर को अंबाला रेलवे के डीआरएम को आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की तरफ से धमकी भरा खत मिला था। संभल के हयात नगर थाना इलाके में मिट्टी का ढेर गिरने से 3 लड़कियां इसके नीचे दब गई। मिट्टी में दबने से 2 की मौत हो गई जबकि 3 की अवस्था गंभीर है। हाथरस में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये 5 लोग इग्लास रोड पर लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 5 तमंचे चोरी के 2 बाइक और 1 लूटा हुआ टैबलेट बरामद किया है। मुजफ्फरनगर में चोरों ने मेडिकल स्टोर में लाखों की चोरी की। चोरी की घटना कैमरे में कैद हो गई। मामला बुढ़ाना इलाके का है। बाइक में सवार होकर 3 चोर आए और चोरी करके बड़ी आसानी से फरार। गोंडा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ जो बवाल में बदल गया।
इस बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी समेत कई पुलिसकर्मी भी इस पथराव का शिकार हुए, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज में महिलाओं और बच्चों को चोट लगी। एक पक्ष ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। अमरोहा में एक पतंग कारखाने में भीषण आग लगने गई। आग की घटना से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पतंग कारखाना पूरी तरह जल चुका था। लखनऊ के महिलाबाद थाना क्षेत्र में मिर्जागंज में युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक और आरोपी दोनों ही हिस्ट्री शीटर है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की है। पीलीभीत गजरौला के गुरुद्वारे के पास एक तेंदुए का शव मिला। खबर मिलते ही गढ़ा रेंज के डिप्टी रेंजर महेश चंद्र द्विवेदी मौके पर पहुंचे। नर तेंदुए के शव मिलने की पुष्टि की। शुरुआती जांच में तेंदुए के किसी वाहन से कुचलकर मौत की बात सामने आई है। फिलहाल विभाग ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम भी भेज दिया है। लखनऊ के चौक इलाके में नशे में धुत रईस जादू ने जमकर बवाल काटा। यहां पर एक दुकान पर दो पक्षों के बीच मारपिटाई हुई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष को बेल्ट निकालकर पीट दिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में युवक युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों ने रिवर हाइट बिल्डिंग से कूदकर जान ली। पहले लड़की कूदी जिसके गिरता देख सोसाइटी का गार्ड भागकर वहां पहुंचे। इतने में लड़के ने बिल्डिंग छलांग लगा दी जो सीधा लड़की के पास खड़े गार्ड पर गिरा। इससे गार्ड भी जख्मी हो गया। लड़के की पहचान विकी के तौर पर हुई जबकि लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। उन्नाव में एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। मामूली सी बात पर उसने पिता को गोली मार दी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाएगा जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खैराबाद में दुर्गा पंडाल में छोटा राजन के गुरुओं की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 16 अक्टूबर को शाम हिस्ट्री शीटर नीरज वाल्मीकि को पूजा पंडाल के अंदर घुसकर चार बदमाशों ने गोली व बम मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक कुछ महीने पहले जेल से नीरज वाल्मीकि और घटना का मुख्य अभियुक्त के बीच में झगड़ा हुआ था। जेल से छूटने के बाद दोनों में वर्चस्व को लेकर तनातनी थी। रानू जेल में अपने अपमान का बदला लेना था। नीरज वाल्मीकि के जेल से छूटते ही दोनों ने हत्या करने की योजना बनाई। लगातार रेकी की। सप्तमी के दिन शाम को पूजा पंडाल के अंदर घुसकर हत्या करने की योजना बनाई और नीरज को पंडाल से बाहर आने के लिए कहा। नीरज ने बाहर आने से मना किया। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां मारकर फरार हो गए। फिरोजाबाद में मशहूर शायर हाशिम फिरोजाबादी पर जानलेवा हमला हुआ। उन पर पांच लोगों ने हमला किया। ज्वलनशील पदार्थ डालकर जान से मारने की कोशिश भी की गई हालांकि वो बच गए। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बहराइच के थाना फकरपुर के इंदर गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम पर पथराव किया। कैसरगंज के उप जिलाधिकारी पंकज कुमार गांव में सीलिंग की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने गए थे। तभी एक गांव वाले ने एसडीएम के सामने आत्महत्या की कोशिश की। इसको लेकर ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने एसडीएम और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके के सिग्मा चार के पास बाइक का सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी जबकि एक बदमाश फरार हो गया। इसकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक बदमाश पेट्रोल पंप पर 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे लेकिन इससे पहले पुलिस से मुठभेड़ हुई और सभी बदमाशों पर हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज किए गए। सिद्धार्थनगर की राप्ती नदी से बुजुर्ग का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक शव की शिनाख्त सिरसिया तिवारी के रूप में की गई है। परिजनों का कहना है कि उसके सिरसिया तिवारी के घर से निकलते थे और रात को वापस नहीं लौटे। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बुंदेलखंड के बांदा में बंदरों ने अपना आतंक फैला रखा है। यहां पर पिछले चार महीने में बंदर तकरीबन 400 से ज्यादा बच्चों को शिकार बना चुके हैं। बंदरों के काटने से कई मासूमों के शरीर पर डॉक्टर्स को टांके तक लगाने पड़े। बागपत में एक बंदर पर मुकदमा दर्ज कराने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। लोगढ़ थाना इलाके के टिकरी गांव का यह मामला है जहां पर एक घर में बंदरों ने सीढ़ियों के पिलर को हिलाकर गिरा दिया जिसकी वजह से किसान की मौत हुई। अब परिजनों ने किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए बंदरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बंदरों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया गया हालांकि पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे।
अलीगढ़ में दबंग युवक पर हथियार के बल पर विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। मामला गभाना थाना क्षेत्र का है। पीड़ित ने इस मामले में एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीकर में थाना अध्यक्ष को तत्काल जाकर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बरेली में एक बार फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। आरोपी के पिता और भाई ने लड़की की हरकतों से परेशान होकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। 9 अक्टूबर को देवरनिया थाना क्षेत्र के शारदा नहर में अज्ञात शव बरामद हुआ था। जब पुलिस ने मामले में छानबीन की तो मामला हॉरर किलिंग का निकला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़। पठान इलाके में एक मकान में छिपे 3 आतंकवादी। आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की ओर से दिया जा रहा मुंहतोड़ जवाब। पठान इलाके के स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर क्या बताया। नगरोटा अभिकैम पर आतंकवादी हमले के केस में मिली कामयाबी। एनआईए ने मुख्य आरोपी मोहम्मद अशरफ खांडे को किया गिरफ्तार। दिल्ली के हाईजीआई एयरपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद अशरफ खांडे श्रीलंका के रास्ते सऊदी अरब भागने के फिराक में था।